देश भर में दिल्ली की छाती पर चारों तरफ ये जो हजारों साल से इस देश की पसीना बहा करते काम चला करते जो मेहनत करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान में बाबा साहब ने हजारों वर्ष से पहले आपने महात्मा फुले ने कबीर ने कितने लोगों ने संघर्ष किया आज तक भी हिंदुस्तान में हमारे संविधान है बाबा साहब का वो धरती पर निर्भर कर पाए वो जमीन पर निर्भर कर पाए चारों ये सरकार कुछ भी कहे इसकी मत मानना ये बेईमान सरकार है ये आपके हमारे खिलाफ है ये किसान के खिलाफ है ये गांव के खिलाफ है ये मजदूर के खिलाफ है ये दलितों के खिलाफ है ये आदिवासियों के खिलाफ है इस सरकार को सही कहा मेरे पहले जो आपकी लोग बोल रहे थे सही कहा आने वाले चुनाव में ये बाबा साहब का दिया हुआ आपके हाथ में ईमान है वोट ये बैलेट पेपर हम पिछड़ा और दलित दलित और पिछड़ा और आदिवासी एक होते तो आज ये दिल्ली हमारे हाथ में होती आज ये अदालत हमारे हाथ में होती लेकिन देर से लेकिन सही में आने वाले उत्तर प्रदेश से संदेश आ गया है सारे गलत कस्बों को गांव देहात दलित पिछड़ा आपका आदिवासी एक हो जाओ और ये सरकार कभी कभी हमको न्याय नहीं देगी ये हमको बर्बाद करेगी इसे हटाना है और मैं आपके बीच में आया इसलिए हूँ कि आपका जो बैलेट पेपर है बाबा साहब की सबसे बड़ी लियाकत है यही वोट है
यही बटन है जिसके चलते प्रधानमंत्री बनता है, जिसके चलते मुख्यमंत्री बनता है, जिसके चलते क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? हेलो, एक साथ में ये है कि ये वोट चालू है, ये वोट मैरिट पे परिश्रम शुरू करते हैं, सबको साथ करना है। मैं आपको वचन देता हूँ, देश भर में हिंदुस्तान के सबसे पहले गरीब को खड़ा करेंगे, दलित में भी तो सबसे कम गठन में यहाँ वोट में है उसको आगे खड़ा करेंगे, उसका जरूर कहीं जाता हूँ। फिर आदिवासी को खड़ा करेंगे जो पूरे जंगल में तबाह और बर्बाद है। इसके बाद ये इंजिन होगा दलित, और पीछे सारे लोग होंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े हो, और चाहे वो अच्छे लोग हो, हमको साथ देना चाहते हैं। मैं इतने ही सिर्फ आपके साथ आया इसलिए हूँ कि उम्र भर से आपके लिए हम लड़ रहे हैं। अब लोग हमारे बीच में रोज दलाल पैदा करते हैं, चुनाव में सबसे ज्यादा इनके हाथ टिकट काटे जाते हैं। ये हमारी पार्टी नहीं है, हमको नई पार्टी बनाना पड़ेगी। अभी मेरे साथ इसने मुझसे कहा, इन्हें बता दूं मैं तो निकल चुका हूँ सारी पार्टी में। नीतीश कुमार ने कल खड़ा किया 11 करोड़ लोगों को, अकेला सरोजिया खड़ा हो गया और उसके साथ पार्लियामेंट से मुझे निकाल दिया गया है। लेकिन पार्लियामेंट असली ये है, आप मालिक है, ये जो बैलेट पेपर है, ये ईवीएम जो है, इसे भी ठीक करना है, बदलना है, फिर से सबको एक हो रहा है। उनको भी जो लोग आपके साथ नहीं आए हैं, मैं वचन देता हूँ तो उनको नकार करके उनको झटका आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ये सरकार एक एक को मार करके एक एक को मार करके ठीक करेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब साथियों को इंकलाब का सलाम देता हूँ, सब साथियों को जय भीम के साथ इंकलाब करता हूँ। इंकलाब जय भीम।